तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? मैं हूं आपका दोस्त और सर कमल सारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। गाइस, यहां पे मैं आपके लिए वीडियो लाया, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में कि कब रिलीज डेट फाइनली लीक हो चुकी है, सारी चीज़ें मालूम पड़ गई है। बहुत ही ज़्यादा ही मतलब यार एकदम मैं 100% बोल सकते हो, मैं कंफर्म के साथ बोल रहा हूँ कि इस बार पबजी मोबाइल इंडिया फाइनली इंडिया में मेक थ्रू कर लेगा। ओके, आई जाएगा भाई, मतलब एकदम कंफर्म ही है ये समझो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट इनटू दिस। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सबको फटाफट से नीचे लाल वाले बटन का कलर चेंज कर देना, उसको फटाफट रेड से व्हाइट कर दो क्लिक करके, और बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं या फिर रात में 9 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। रात में 9 बजे के बाद इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीम होती है, तो अगर आप लोग ये वीडियो रात में देख रहे हो तो एक बार चैनल ओपन करो, अंदर आके देखो, मैं लाइव मिलूंगा, लाइव चैट में हाय बोल देना। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ मैंने कल बताई थी वीडियो में, बट आज फिर बता रहा हूँ बिकॉज कोई रीज़न है उसकी वजह से। सबसे पहली चीज़, मैक्शन का ये वाला ट्वीट देख लो, कल उन्होंने ट्वीट करके बताया था अ डेडली अनाउंसमेंट बिटवीन जैन 15 टू जैन 19 सून, हैशटैग कन्फर्म्ड एल्स विल डिलीट माई ट्विटर। तो ये ट्विटर डिलीट करने वाली बात बहुत बड़ी होती है, कोई छोटी बात नहीं है भाई। मैक्शन ने यहाँ पे खुद ही ट्वीट करके बताया है कि भैया 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में कुछ हम लोगों को यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है, तो पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड वो रहेगा। तो यार देखते हैं वो क्या आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो पबजी मोबाइल इंडिया की जो रिलीज डेट हो सकती है कि 15 से 19 जैन को रिलीज डेट आएगी, मतलब रिलीज डेट उस दिन मालूम पड़ेगा। अभी ये मैं कैसे बोल रहा हूँ वो चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ओके, सो ये हो गई एक चीज़। सेकंड चीज़ गाइस, बात करी जाए यहाँ पे जो हमारा ओशियन शर्मा, अगर आप लोग जानते होंगे, जो कि यार आप लोगों ने काफ़ी सारे टूर्नामेंट वगैरह में देखा होगा, होस्ट करते हैं भाई अपने। सो वहाँ पे उनके कल के व्लॉग में आप लोगों को ये देखने को मिला होगा, आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, पहले प्ले कर देता हूँ। सो गाइस, गिल मिला है मुझे। अपन लोग लास्ट कब मिले थे, जो वीडियो बनी थी जो कभी आई नहीं, चंडीगढ़ में एक वीडियो की शूटिंग हुई थी जो कभी आई नहीं, क्योंकि पबजी बैन होगी। अब वापस मिल रहे हैं जब पबजी अनबैन होने वाली है शायद। खैर, सो गाइस यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया है कि यार हम लोग यहाँ पे, ये लोग कहीं गए थे और ये एयरपोर्ट का सीन है जहाँ पे ये लोग हैं, ओशियन शर्मा ये लोग एयरपोर्ट पे थे। सेकंड चीज़ गाइस, यहाँ पे शायद उनको पबजी मोबाइल इंडिया ने इनवाइट करा है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला यार कि हम, ये लोगों ने एक वीडियो शूट करी थी जो कभी आई नहीं बिकॉज पबजी बैन हो गया था, लेकिन अभी हम लोग फिर वापस से मिल रहे क्योंकि पबजी अनबैन होने वाला, उन्होंने बोला शायद। और ये मुझे बहुत ही मतलब यार इन्होंने हिंट दिया है कि हाँ पबजी अनबैन फाइनली होने वाला है। यार ये लोग देखो एकदम सामने सामने बात नहीं करते, क्योंकि ये लोग ऑफिशियल से बंधे हुए रहते हैं, जो पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल रहते हैं वो अलाउ नहीं करते शेयर करना, क्योंकि जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं है तब तक शेयर नहीं करा जा सकता। ओके, तो वो ऑफिशियल्स वाली बात है। सो यहाँ पे यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गड फीलिंग लग रही कि भैया आप पबजी मोबाइल इंडिया आएगा फाइनली, तो यार ये काफ़ी मतलब ज़्यादा ही बड़ी गुड न्यूज़ है। एंड अभी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मैक्शन का ट्वीट, वो मैंने क्यों बताया वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे गाइस बात करी जाए, दो डेट ना यहाँ पे निकल के आई थी बाहर, वो जो थी 15 जैन से 20 जैन के बीच में कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। दूसरी थी 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कुछ सुनने को मिलेगा। तो 15 से 20 जनवरी का ट्वीट तो मैंने आपको दिखाया मैक्शन का, कि उस दिन शायद रिलीज डेट आ सकती है। सेकंड है यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी की तरफ से, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था, कल या परसों की वीडियो है ये, उसमें इन्होंने बताया था पबजी मोबाइल इंडिया के रिलीज डेट के, एक्सपेक्टेड रिलीज डेट के बारे में, मतलब एकदम श्योर नहीं है वो, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, बिकॉज पबजी का दोस्तों मैं आपको अगर बोल रहा था जो डेट निकल के आई थी बीच में 16 फरवरी की, तो अब अगर दोस्तों ये 26 जनवरी को आता है तो शायद 16 फरवरी को पबजी मोबाइल इंडिया आ सकता है 4G के बाद में। अभी के लिए भी खैर कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि शायद दोस्तों 26 जनवरी से पहले तो उसके आने के कोई चांसेस नहीं है। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि टेक्निकल गुरुजी ने बोला कि 4G कन्फर्म हो गया 26 जनवरी को, तो यहाँ पे चांसेस है कि 16 फरवरी को जो हमारा पबजी मोबाइल इंडिया है वो आ सकता है, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड था कि पहले 4G आएगा उसके बाद पबजी मोबाइल इंडिया। अगर आप लोग कनेक्टेड है न्यूज़ वगैरह से, ट्विटर से खास तौर से कनेक्टेड, ट्विटर पर हर एक अपडेट मिलता रहता है, ट्विटर से अगर आप लोग कनेक्टेड है तो आपको शायद ये बात ऑलरेडी पहले से ही मालूम पड़ गई होगी। तो यहाँ पे यार इतने बड़े बड़े लोग जब ऐसी डेट्स वगैरह शेयर कर रहे, तो यार मतलब ऐसा कुछ मतलब यार फेक वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये लोग जब एकदम ये लोग पहले ढूंढते चीज़ें उसके बारे में, तब जाके लोग शेयर करते हैं, तो यार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई हाँ इस बार ये सही रहने वाला है।
ओके सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में आप लोग अपडेट करता रहूँगा। और सेकंड चीज़ की बात करी जाए मैक्शन से रिलेटेड, मैक्शन ने आज यहाँ पे वीडियो अपलोड करी थी यहाँ पे माइग्रेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया। तो इसमें क्या था, तो यहाँ पे गाइज एक प्लेयर था, तो उसको मैं अभी हम लोग अभी जाके यहाँ पे सर्च करने वाले हैं कि जो प्लेयर था वो कौन था क्या था। तो गाइज यहाँ पे आ गए हम लोग और यहाँ पे वो लिखते हैं यूज़र आईडी, जो हमारी यूज़र आईडी है 54912 एंड यहाँ पे आगे है 0 and 6792, ये है वो यूज़र आईडी। आप लोगों को अगर सर्च करना है आप भी सर्च कर सकते हो, ये है यूज़र 16194, ये वो आईडी। अगर आप लोग इसको ओपन करोगे भैया को बबुल आईडी भी मिलने लगी यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर इसके स्टेट्स पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो लिखा है प्लेयर आर यू आर व्यूविंग हैज माइग्रेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया, देख सकते हो गाइस ये इस तरीके से लिख के आएगा। आप लोग इसका कुछ डेटा वगैरह देख नहीं पाओगे, सिर्फ आप लोग इसकी प्रोफाइल व्यू कर पाओगे जो कि वो भी हिडन है, और लेवल सिर्फ एक दिखाएगा आपको। ये एक्चुअली ना पबजी मोबाइल का खुद का ऑफिशियल मैं बोलूँगा अकाउंट है जो कि वो लोग टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्शन भाई है उन्होंने ये चीज़ खुद ही बताई अपने चैनल पे, आपको अगर वीडियो देखना है आप लोग जाके देख सकते हो उनके चैनल पे, उन्होंने ये वीडियो खुद अपलोड करा है। सो गाइस यहाँ पे गाइस इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है, अब जाके फाइनली लग रहा है कि यार हमारा पबजी मोबाइल इंडिया सकता है। जो रिलीज डेट वगैरह थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 16 फरवरी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट आ चुकी है यहाँ पे। सो ये थी कंप्लीट वीडियो, फटाफट से यार वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे उनको बताओ यार इस गुड न्यूज के बारे में, उनको भी फटाफट से शेयर कर दो। और गाइस यार रात में 9 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करो यार, मैं डेली रात में 9 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, पबजी वगैरह खेल रहा हूँ, माइनक्राफ्ट खेलने की सोची है, GTA 5 रॉयल प्ले भी हम लोग खेलेंगे अभी चालू कर दिए थोड़ा बहुत। सो ये था कंप्लीट वीडियो, थैंक्स वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। और लाइक करो डिसलाइक करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो।